अगली खबर थाईलैंड के पटाया टाइगर पार्क से है, जहां बांका के एक युवक सुजीत कुमार ने गाइड की मौजूदगी में बाघ के शरीर को अपने हाथों से स्पर्श कर उसका हालचाल जाना। आपको बता दें कि सुजीत कुमार विदेश भ्रमण के दौरान थाईलैंड के पटाया का मशहूर टाइगर पार्क घूमने गए थे, जहां बाघ भी मनुष्य से मित्रवत का संबंध रखते हैं। सुजीत कुमार ने बताया कि थाईलैंड के टाइगर पार्क में वह बाघ के करीब गए और बाघ के शरीर और पूंछ को सहलाकर उसका हालचाल जाना और ये जाना कि बाघ भी मनुष्य से मित्रवत संबंध रखते हैं। देखिए सारा बाघ जो है, देखिए जितना भी नरभक्षी जानवर है खतरनाक तो है ही, लेकिन अगर उसको भी प्यार दिया जाए तो वो भी प्यार से ही ट्रीट करता है, वैसा कोई दिक्कत नहीं बुझाया। वैसे ट्रेनर वगैरह सब रहता है वहाँ पे, मतलब कि आपको अकेला नहीं छोड़ दिया जाता है पिंजरे में, जो कि कुछ भी होगा तो कोई दिक्कत है, फुल सिक्योरिटी के साथ रहता है। वैसा हमको खास करके हमको तो वैसा कुछ डर भय लगा भी नहीं, मतलब कि लगभग आधे घंटे तक थे हम साथ में, लेकिन कोई खास वैसा नहीं लगा कि भाई काट लेगा या खा जाएगा या डर। बाघ के समीप जाने के पहले आपको कुछ ऐसा निर्देश दिया गया था, दिशा निर्देश दिया गया था कि सामने से फोटो नहीं खींचना है, मोबाइल में फ्लैश नहीं जलना चाहिए, उसके नज़र से नज़र मिलना नहीं चाहिए, ये सब बताया गया था पहले, लेकिन वैसा डर कुछ लगा नहीं, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि हम शेर के पास में आए हुए हैं तो वैसा कोई खतरा वाला बात होगा, वैसा कुछ फील नहीं हुआ। अलग अलग ढंग से बाघों को आपने सलाया है और स्पर्श किया है, तो कितना समय आप बाघ के एकदम करीब रहे? लगभग 20 से 25 मिनट तक थे वहाँ। वैसे हर आदमी का समय 10 मिनट है, ठीक है, तो मेरे साथ में और 4 आदमी थे, लेकिन वो लोग जल्दी निकल गए थे, तो टोटल हम लोग के पास में 40 मिनट था 4 आदमी का, तो वो लोग जल्दी जल्दी निकल गए थे 2-2 मिनट में, तो उन सबका सारा समय हम ही ले लिए, तो लगभग हम 25-30 मिनट तक थे वहाँ पे साथ में।